अंत में गणेश जी ने भी कुछ सुझाव दिए, भी सुझाव के रूप में ही है। गणेश जी ने कहा कि न्यूज लेटर अगर कॉलेज निकालता तो क्या। अध्यक्ष जी, न्यूज लेटर और जर्नल निकालना जब कॉलेज को जनर, वो 2011 के कांग्रेस यूपीए के बिल के समय था कि जिसमें अंग्रेजों से भी आगे कांग्रेस बढ़ गई थी, यानी कि उसमें कॉलेज में जर्नल निकालना तो उसमें भी आपको अनुमति सरकार की चाहिए, इस तरह के प्रावधान उसमें किए थे, लेकिन हमने उससे भी मुक्ति दिला दी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, इसमें इस तरह की कोई परमिशन कॉलेज को नहीं लेनी पड़ेगी। अब इम्तियाज साहब ने कुछ बातें कही, इसमें उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है। आपने पहली बात तो कही, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। मैं अध्यक्ष जी, बड़ी गंभीरता के साथ मोदी सरकार के एक मंत्री के नाते, इस सदन का सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस 75 साल में सबसे ज्यादा कभी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो मोदी सरकार में उसकी गारंटी हुई है। और ये फ्रीडम, माननीय अध्यक्ष जी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक भी कोई कार्रवाई हमने ऐसी नहीं की है, उल्टा अवसर दिए हैं ऑनलाइन आने का। इसलिए मैंने कहा ये जो कानून है ये सिंपल, स्मार्ट, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा, आपने कहा इम्तियाज साहब की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं ये बिल्कुल निराधार है। आपको जितनी आलोचना सरकार की करनी आप कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी, सदन के सदस्य के रूप में, पत्रकार के रूप में भी, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हमने नहीं की है। लेकिन कोई देश को तोड़ने की विचार रखता है, टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखता है, ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है, तो कानून को जो काम करना वो अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा, आपने कहा कोविड में कितने लोग मरे, आपने कहा लोग नहीं, खराब परिस्थितियां थी। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आज मुझे नहीं कहना पड़ता, ये दुनिया के बड़े बड़े समाचार पत्र जो गलत लिखते थे, गलत धारणाएं पैदा करते थे कि भारत में करोड़ों लोग मरेंगे, उनको लगता था महामारी से ज्यादा भूखमरी से मरेंगे। मैं आज पूरी अधिकार के साथ कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में कोविड प्रबंधन की किसी देश की तारीफ की गई है तो भारत की, और भारत के नेतृत्व में मोदी जी की गई। हमने महामारी से भी बचाया, भूखमरी से बचाया अध्यक्ष, 220 करोड़ वैक्सीन अगर किसी देश में मुफ्त लगी पूरी दुनिया में तो भारत में मोदी सरकार में लगी है। उसमें जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा गया, आपने इसको संप्रदाय के नाम पर लेके, आप मजहब के नाम पर लेके, मुझे बहुत पीड़ा हुई सुनकर। हमारी सरकार में तो सबका साथ सबका विकास सोचा जाता है, हमने कभी ये नहीं कहा। आप एक कोई इंसिडेंट बताइए, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 80 करोड़ गरीबों को अनाज मुफ्त में मिल रहा है, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी में मिलने का वायदा हुआ है, तो किसी की जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने तो सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया। आप बिल्कुल इसमें ना जाइए, यहां पे भी जितनों को सर्टिफिकेट मिल, आपने कहा सर रिकॉर्ड चेक कराइए, आपने मजहबी रूप देने की बात कही है, आपने मजहबी रूप देने की बात कही, आपने कोविड में खराब पर, मैंने कहा कोविड के समय भी अगर किसी रिपोर्टर की मृत्यु भी हुई तो उसको 5 लाख रुपए मदद देने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। आपने कहा अखबारों को जिंदा रखना चाहिए, मैंने कहा जिंदा के लिए हमने बढ़ाने का काम, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और बाकी कर रहे हैं। आपने कहा 1120 रुपए का सिलेंडर, आप गलत कह रहे हैं, जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 1120 नहीं 630 रुपए का सिलेंडर मिलता है, और ये मोदी की गारंटी के कारण मिल रहा है, बाकियों को 920 रुपए में मिलता है। ऐसा ही नहीं, आपने कहा
डिजिटल मीडिया का तो मैंने कह ही दिया, आपके कुछ और प्रश्न थे। आपने जो मजहब की बात की मैंने उसका भी उत्तर दे दिया, हमने पहले भी कहा कि इसको चलिए डिबेट नहीं करिए मानमंत्री जी।